नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फ्यूचर में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आपके पास अगर आइडिया या वोडाफोन का सिम कार्ड है, मतलब वीआई का सिम कार्ड है, इसमें आपको नेटवर्क एरर या इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पा रही, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ऐसे एक सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका मोबाइल पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे आपको इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पा रही है, चाहे आपको फोन करने में नेटवर्क ठीक ठाक से नहीं मिल पा रही है, सभी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होने वाले है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक एकदम जरूर से देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के हेल्पफुल के लिए इस तरह से वीडियोस डालता हूँ। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपका मोबाइल का सेटिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको मोबाइल नेटवर्क वाला ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद आपको फोन में अगर दो सिम कार्ड है तो उसमें आपका कौन सा वीआई का सिम कार्ड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद नीचे आपको एक्सेस पॉइंट नेम करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एपीएन पे लेके आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों, ऊपर एक क्लास आइकन है, उसमें क्लिक करो, आपको न्यू एपीएन सेट करने के लिए एक फॉर्म दे देगा। तो मेरा वीडियो देख के सारा जो ये फॉर्म है आपको सिंपल सिम भर लेना है। तो फ्रेंड्स, पहला जो नेम वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको लिख लेना है VI NET 4G। सारा लेटर ना आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर पे लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों, एपीएन वाला ऑप्शन है, उसमें आपको लिखना है 4G VI NET। सारा लेटर जो है यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर पे लिख लेना है। लिखने के बाद आपको नीचे यूजर नेम वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लिख लेना है 4G speed.net। 4G का जी को कैपिटल और स्पीड का एस कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद एक डॉट और बाद नेट का एन कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे दोस्तों, पासवर्ड पे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके नीचे है सर्वर का ऑप्शन, यहाँ पे आपको लिख लेना है www.google.com। सारा लेटर जो है यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर पे लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों, आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, MMS, Proxy, MCC, MNC, ये सब आपको कोई भी चर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों ना आपका एरिया कोड है, आपका एरिया का खुद का हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, तो इसपे आपको कोई भी चर्चा नहीं करना है। देखो नीचे आपको ऑथेंटिकेशन वाला टाइप करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करके PAP वाला ऑप्शन को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे APN प्रोटोकॉल करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके नीचे APN रोमिंग प्रोटोकॉल करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर लेना होगा। करने के बाद दोस्तों, आपको BRR पे आ जाना है। BRR पे आने के बाद ऊपर देखो नॉट स्पेसिफाइड वाला एक ऑप्शन सिलेक्ट है, उसको अनटिक करके LTE से शुरू करके UMTS तक सारा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों, आपको ये वाला APN को सेव कर लेना है। ऐसे मैं एक बार बैक आ जाता हूँ, ऊपर यहाँ पे मेरा राइट बटन है, इसमें क्लिक करता हूँ तो ये बार मेरा APN जो है सेट हो गया। सेट होने के बाद ये APN को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके आपको फोन को रिस्टार्ट करके फिर इंटरनेट चला के देखो, अपना आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आपका इंटरनेट स्पीड कितना दे रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और भी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो लेके। जय हिंद।